अब मैंने पिछली जो लद्दाख की आइटनरी या गोवा की आइटनरी या मेघालय की जो आइटनरीज बनाई वो 5 से 10 दिन के बीच की आइटनरीज थी, और मैंने सोचा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इतने टाइम को नहीं जाते, जो सिर्फ 2-3 दिन को जाते हैं, जिन्हें सिर्फ वीकेंड मिलता है उस टाइम घूमना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कुछ आइटनरी बनानी बनती है। एंड सिंस अभी इतनी गर्मी है और लोगों को पहाड़ों में जाना है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट बीर बिलिंग। सो दिस वीडियो इज अबाउट 3 days आइटनरी ऑफ बीर बिलिंग। सो बीर बिलिंग इज नोन एज अ पैराग्लाइडिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। व्हाई? बिकॉज वहाँ पे इंडिया की सबसे ऊंची पैराग्लाइडिंग होती है। सो बीर और बिलिंग दो अलग गाँव है, बीर नीचे है, बिलिंग ऊपर है। बिलिंग से पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होती है और तुम बीर पे आते हो, और वो सबसे बढ़िया स्पॉट है इंडिया में अगर तुम्हें पैराग्लाइडिंग करनी है तो। और दूसरी चीज, बीर इज ऑल्सो होम टू तिब्बतन रेफ्यूजीज, सो वहाँ पे बहुत सारी मोनास्ट्रीज हैं, बहुत सारे स्तूपास हैं। तो बीर बिलिंग जो मेनली लोग जगह देखने जाते हैं वो पैराग्लाइडिंग के लिए जाते हैं और वहाँ की मोनास्ट्रीज के लिए जाते हैं। तो मैं तुम्हें 3 दिन का रफ आइडिया बता दूंगा कि तुम्हें कहाँ का घूमना है, कहाँ का खाना है और क्या क्या बेस्ट एक्सपीरियंसेस है बीर में। और वीडियो के एंड में एक बहुत ही ऑब्वियस एक्सपीरियंस बताऊंगा बीर बिलिंग में करने के लिए, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो शायद थोड़ा और टाइम ले वहाँ रुकने को, बट वो एक्सपीरियंस तुम्हारी जिंदगी के सबसे अच्छे एक्सपीरियंसेस में से एक पक्का होगा, पक्का। नाउ बीर पहुँचने का बेस्ट तरीका ये है कि तुम दिल्ली से बस पकड़ो मजनू का टीला या फिर कश्मीरी गेट से, जो कि शाम या रात को चलेगी 7-8 बजे के आसपास, और वो अर्ली मॉर्निंग तुम्हें 5-6 बजे के आसपास बीर पहुंचा देगी। नाउ डे 1 तुम सुबह सुबह बीर पहुंच गए हो, अब क्या क्या करना है आज पहले दिन पर? सो आज हम यहाँ की वो दो मोनास्ट्रीज कवर कर लेंगे जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस है। फर्स्ट इज चोकलिंग मोनास्ट्री एंड सेकेंड इज शेरबलिंग मोनास्ट्री। ये दोनों मोनास्ट्रीज जरूर देखना है, काफ़ी सुंदर, काफ़ी बड़ी मोनास्ट्रीज है वहाँ की। और दूसरी चीज़ जो आज तुम्हें कवर करनी है वो है वहाँ का पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस। सो आज हम क्या करेंगे, आज बीर में हम पैराग्लाइडिंग की बुकिंग कर देंगे, तो जिसके साथ तुम पैराग्लाइडिंग कर रहे होगे वही तुम्हें ऊपर लेके जाएगा बिलिंग तक। बिलिंग इज अराउंड 14-15 किलोमीटर्स बीर के ऊपर, वहाँ हम गाड़ी से जाएंगे, गाड़ी उनकी होगी, तुम ऊपर पहुँचोगे, 10-15 मिनट लेंगे वो सारा सेटअप करने में, और फिर तुम अपना उड़ी मार देना एकदम, और फिर तुम्हारा वो मोमेंट आएगा जिंदगी का जिसका तुम्हें सबसे ज़्यादा इंतजार था। और ये मैं आसमान की ऊँचाइयों में, बहुत ऊँचे, पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ, कोहरा ही कोहरा है। होपफुली तुम अपने आप को गालियाँ मत दे रहा कि तुम ऊपर आ गए। मैं रेकमेंड करूंगा कि तुम शाम को करना, बिकॉज सनसेट का टाइम बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगा। सोचो तुम हवा में तैर रहे हो ग्लाइडर पे और सामने सनसेट हो रहा है, काफ़ी सुंदर, बहुत मज़ा आएगा। और जब तुम लैंड करोगे ना, तो तुम बीर में लैंड करोगे लैंडिंग स्पॉट पे, वो देखना बहुत ही बड़ा ग्राउंड है और वहाँ से सनसेट बहुत ही बढ़िया दिखता है, काफ़ी सुंदर कलर्स आएंगे। तो तुम सनसेट के टाइम पैराग्लाइडिंग करी लैंडिंग पॉइंट पर आए, वहाँ थोड़ा चिल किया, आज फर्स्ट डे तुम्हारा ये था सिंपल। डे 2, और डे 2 का मैं नाम रखूँगा द डुबकी डे। बाय, अभी पता चल जाएगा यार। तो आज हम सबसे पहले स्कूटी या बाइक लेके जाएंगे या तो गुनेहर वाटरफॉल, गुनेहर वाटरफॉल वहाँ का सबसे फेमस वाटरफॉल है, वहाँ जाओ, वहाँ नहाओ, दो चिल करो। या वहाँ पे एक और वाटरफॉल है, एक छुपा हुआ वाटरफॉल है, जहाँ एक पॉइंट तक तो तुम बाइक और स्कूटी लेके जा सकते हो, फिर वहाँ से छोटी सी हाइक है, छोटा सा ट्रैक है, तुम उस पर जाओ, जंगल के बीच में से काफ़ी फन एरिया है वो, काफ़ी फन रास्ता है। और वहाँ जब तुम पहुँचोगे तो वो काफ़ी सुंदर छोटा सा वाटरफॉल होगा, तुम उस पर चढ़ो, पत्थरों पर चढ़ के जो तुम्हें वहाँ हाइक्स करनी है वो करो, नहाओ दो, पानी पियो, डुबकी मारो, इन्जॉय करो। बट मैं कह रहा हूँ अभी कपड़े चेंज मत करना, क्योंकि अभी ये डुबकी स्पॉट हमारा लास्ट स्पॉट नहीं था, अभी कहीं और भी जाना है। अब हम बीर से अराउंड 15-20 किलोमीटर दूर एक गाँव का नाम है चौतड़ा, वहाँ जाएंगे। वहाँ हमें क्यों जाना है, आज हम वहाँ जाएंगे मछियाल लेक पर। मछियाल लेक एक जगह है, नाम से पता चल रहा होगा, बहुत मछियाँ हैं, बहुत सारी मछियाँ हैं, वहाँ तुम जाओ, जाके मछलियों को खाना खिलाओ। बट हम मछलियों को खाना खिलाने नहीं गए, हम मेनली वहाँ गए हैं दूसरी टाइम डुबकी लगाने। नाम की वो लेक है मछियाल लेक, बट वो एक्चुअली एक रिवर है। तो तुम वहाँ जाओगे, थोड़ा आगे तुम वॉक करके जाओगे, तुम्हें नहाने का स्पॉट मिल जाएगा, वहाँ दोस्तों के साथ चिल करो, डुबकी मारो। एक्चुअली इट्स अ ग्रेट पिकनिक स्पॉट, अगर तुम दोस्तों के साथ या फिर फैमिली के साथ तुम्हें पिकनिक पर जाना है, वहाँ से बीर से कोई ऐसी जगह चाहिए जहाँ रिवर बह रही हो, साइड में बैठने का एरिया हो, चिल कर पाओ आराम से, तो आई थिंक मछियाल लेक इज़ अ परफेक्ट स्पॉट फॉर दैट। और फिर तुम शाम तक जब आ रहे होगे वापस, तो तुम बीर मत जाना, तुम बिलिंग जाना, बिलिंग में उसी जगह जाना जहाँ से हमने पैराग्लाइडिंग करी थी। तो वो जो जगह है ना जहाँ से पैराग्लाइडिंग होती है, वहाँ पे एक्चुअली तुम्हें देखेगा कि ऊपर एक छोटी सी माउंटेन है जहाँ प्रेयर फ्लैग्स होंगे, छोटा सा हाइक है, 10-15 मिनट का हाइक है, तुम वहाँ पहुँचना और वहाँ से सनसेट देखना, वो बहुत ही सुंदर होगा। मैं ज़िंदगी में 2 बार गया हूँ वहाँ पे, एक बार मुझे बहुत ही खूबसूरत सनसेट देखा था, और एक बार जब मैं गया तो वहाँ बहुत तेज़ बर्फ़ पड़ गई थी। वो दोनों इतने अलग और इतने बढ़िया एक्सपीरियंसेस थे ना, तो मौसम के हिसाब से तुम्हें कुछ भी मिल सकता है। एक दिन अलग देना उस जगह को कि तुम दोस्तों के साथ जाओ या फिर अकेले जाओ, वहाँ छोटा सा वो ट्रैक करो, ऊपर बैठो, हवा खाओ, जो हवा चल रही है वहाँ पर इतना मज़ा आएगा, और सनसेट या फिर स्नोफॉल जो भी है उस मौसम में वो इन्जॉय करो। और डे 3, आज हमें शाम को लौटना है वापस, आज शाम को हमारी बस होगी वापस लौटने की, तो हम शाम तक हमें चिल करना है। मेन मेन जो जगह हैं, मेन मेन एक्सपीरियंसेस जो हैं बीर के, वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं,
तो अब एक्चुअली तुम देखोगे ना तो बिर में रिवर स्ट्रीम्स हैं, फॉरेस्ट हैं, पाइन फॉरेस्ट बहुत सारे हैं, तो एक्चुअली तुम उसमें चिल करो, वहाँ जाओ, वहाँ घूमो, कैफे हॉपिंग करो, वहाँ कैफेज बहुत सारे हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि रोज़ तुम्हें कहाँ कहाँ खाना है, जो मेरे फेवरेट कैफेज थे मैं बता देता हूँ। एक तो था भूमि कैफे, वहाँ का ब्रेकफास्ट ज़रूर करना, काफ़ी फैंसी और काफ़ी अच्छा खाना है, वहाँ का हेल्दी खाना है। एक था आवा कैफे, पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे बढ़िया साउथ इंडियन फूड खाना ना, वेज साउथ इंडियन फूड, डोसा और ये लेमन राइस इस टाइप का खाना, तो भाई आवा कैफे से बढ़िया, मतलब तुम्हें पहाड़ों में इतना टेस्टी साउथ इंडियन खाना मिलेगा ना, क्रेजी। और भी बहुत कैफेज़ हैं वहाँ, तुम्हें तिब्बतन फूड खाना तो वहाँ के लोकल शॉप्स बहुत है, वहाँ खा सकते हो। मुझे लाफिंग बहुत पसंद है, तुम वहाँ जाके लाफिंग खा सकते हो। जिन लोगों को नहीं पता, लाफिंग एक नूडल रोल टाइप होता है और उसके अंदर सोया चंक्स होते हैं और वो बहुत स्पाइसी होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, मच बेटर देन मोमोज। काफ़ी लोग लड़ जाएंगे मेरे से इस बात पे, बट हाँ वो मोमो से बेटर होता है, लाफिंग ज़रूर खाना वहाँ पे। और वहाँ के जो मेन कैफेज़ हैं वो सारे लैंडिंग पॉइंट के पास है, जैसे एक पिज्जेरिया है वो भी वहाँ पे है, हिमालयन कैफे है वो भी वहाँ पे है, आवा कैफे भी वहीं पे, और सारे बहुत सारे कैफेज़ हैं, तो तुम वहाँ कैफेज़ एक्सप्लोर कर सकते हो। अब बारी आती है उस एक्सपीरियंस की जिसके लिए मैं मेन बात कर रहा था, जो बेस्ट एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने बताया कि बिर में बहुत सारी मोनास्ट्रीज हैं, सो उनमें से एक मोनास्ट्री है डियर पार्क इंस्टीट्यूट। वो पहले मोनास्ट्री थी और अभी उसे एक इंस्टीट्यूट पर कन्वर्ट कर दिया गया है। मोनास्ट्री की स्ट्रक्चर अभी भी वहाँ है, पर तुम अब वहाँ जाके रह सकते हो और वहाँ नए कोर्सेज सीख सकते हो, वहाँ वर्कशॉप ले सकते हो। सो डियर पार्क इंस्टीट्यूट का कॉन्सेप्ट क्या है? वहाँ का कॉन्सेप्ट ये है कि तुम मोनास्ट्री जाओ, मोनास्ट्री में 4-5 दिन रुको और वहाँ पे एक वर्कशॉप लो, तो तुम मोनास्ट्री के अंदर ही रहोगे। तुम डॉर्म्स भी ले सकते हो, तुम पर्सनल रूम्स भी ले सकते हो, तुम ट्विन शेयरिंग पे भी ले सकते हो और वहाँ तुम वर्कशॉप अटेंड करो। और वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो क्रेजी एक्सपीरियंस है। और वहाँ हर तरह की वर्कशॉप होती है, वहाँ फिल्म मेकिंग वर्कशॉप होती है, वहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप होती है, वहाँ स्पिरिचुअल वर्कशॉप्स होती हैं अलग अलग तरह की, मतलब वहाँ ढेरों तरह की वर्कशॉप होती है, हर महीने 2-3 अलग अलग टाइप की वर्कशॉप्स। मैं बिर 8 दिन को गया था और मैंने वहाँ 2 वर्कशॉप्स दी थी, एक स्पिरिचुअल वर्कशॉप थी और एक आर्ट थेरेपी की वर्कशॉप थी, और उन दोनों का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। ये एक्सपीरियंस सिर्फ वर्कशॉप का अच्छा नहीं होता, मेन जो एक्सपीरियंस था वो था मोनास्ट्री में रहने का, कि मैं सुबह से रात तक मोनास्ट्री में रह रहा हूँ और हर अलग टाइप के लोग आए हैं, मतलब बच्चे भी आए हैं, 30 साल के इंसान भी है, 50 साल का इंसान भी है, और सब अलग एथनिसिटी से हैं, कोई नॉर्थ ईस्ट से आया है, कोई साउथ इंडिया से आया है, कोई यूपी से आया है, कोई कहीं से आया है, मतलब हर अलग टाइप के लोग सब एक जगह एक उसमें रख दिए गए हैं और वो वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया बॉन्ड बन जाता है। और वहाँ का खाना, तुम्हें लग रहा होगा कि यार डियर पार्क इंस्टीट्यूट मोनास्ट्री में क्या ही खाना मिलेगा, क्रेजी खाना, एक दिन चाइनीज़, एक दिन स्पैनिश, एक दिन लेबनीज, बहुत ही बढ़िया खाना। अगर तुम इस एक्सपीरियंस के लिए रुकना जा भी नहीं रहे ना, वहाँ खाना ज़रूर खा के आना, वहाँ खाना बाहर वालों को अलाउड है, एक दिन खाना खा के आना वहाँ पे। बट मैं बोलूँगा कि बिर का जो बेस्ट एक्सपीरियंस है ना, अपार्ट फ्रॉम पैराग्लाइडिंग, वो है मोनास्ट्री में रुकने का, जो कि डियर पार्क इंस्टीट्यूट में सकती है, जो कि मैंने करी है। और अगर उसके बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने 2 वीडियोज़ बनाई थी, अपना पूरा एक्सपीरियंस दिखाया था, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन बताई थी कि कैसे तुम जा सकते हो, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। और दूसरी चीज़ मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर तुम उस एक्सपीरियंस के लिए जाओगे तो 1-1.5 हफ्ते के लिए तो ज़रूर जाना, 1-2 वर्कशॉप्स देना, बहुत मज़ा आएगा। और अगर तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है, तुम इसी में ये सब कवर करना चाहते हो 3-4 दिन में, तो तुम किसी हॉस्टल या होटल में मत रखना, तुम्हें काम करना, तुम मोनास्ट्री में रुकना, एक वर्कशॉप लेना, वर्कशॉप भी अटेंड करना, ये सारे एक्सपीरियंसेस भी लेना, कौन मना कर रहा है। सो सबका बेस्ट हो जाएगा ये, मतलब ये बेस्ट एक्सपीरियंस होगा तुम्हारा बिर का, तुम खुश हो जाओगे। और अगर तुम मेरी आइटनरी से बिर जाते हो और तुम स्पेशली मोनास्ट्री वाला एक्सपीरियंस लेते हो, तो प्लीज़ टेल मी कैसा रहा एक्सपीरियंस, कमेंट्स में बताना। तब तक के लिए ट्रैवल मोर, मीट यू पीपल मोर, टॉक टू पीपल मोर, अपनी कहानियाँ सुनाओ, उनकी स्टोरी सुनो, हंसो, मुस्कुराओ, खुश रहो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो।